ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। फाइनली न्यू वीडियो आ गई है, वो भी मैच मेकिंग प्रॉब्लम पे। देखो लास्ट टाइम हमने मैच मेकिंग प्रॉब्लम पे एक मंथ पहले वीडियो डाला था, अब एक मंथ बाद जो है इस टॉपिक पे वीडियो आ रही है। ऐसा क्यों, मैं आप लोग को बता दूँ, बहुत ज़्यादा जो है डिमांड हो रही थी इस वीडियो की पिछले कुछ दिनों से। क्योंकि देखो यार, जब लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो से सबकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई थी, सबके डिवाइस में मैच जो है स्टार्ट होने लगी थी नॉर्मली। बट पता नहीं, ये फ्री फायर गेम है तो इसमें अपडेट्स आते रहते हैं, तो फाइनली पता नहीं कुछ अपडेट आया होगा पिछले कुछ दिनों में, सो प्रॉब्लम जो है फिर से क्रिएट होना शुरू हो गई। सो काफ़ी लोग के डिवाइस में अभी ये जो प्रॉब्लम है वो फिर से शुरू हो गई। तो इस बार जो है मैं न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ। फाइनली आज की इस वीडियो में आप लोग को बता दूंगा अभी के टाइम पे जिन लोगों के डिवाइस में मैच मेकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, कैसे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और प्रॉब्लम क्यों हो रही है वो इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए जानना, ताकि यार आप लोग को खुद से समझ पड़े कि क्या क्या सीन होते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आपके डिवाइस में ये प्रॉब्लम हो तो आप लोग खुद से इसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए एंड तक देखते रहना अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो। और हाँ, वीडियो अगर एंड तक पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर देना एंड में, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहेंगी और आप लोग की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सॉल्व होती रहेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं फटाफट से आप लोग को बताता हूँ ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है और कैसे हम लोग इसे सॉल्व कर सकते तो हैं। देखो यार, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं ये प्रॉब्लम आप लोग के डिवाइस में या फिर कह लो आपकी आईडी में हो क्यों रही है। तो देखो, इसका एक ही रीज़न है, अभी के टाइम पे अगर आप लोग फ्री फायर गेम में कोई भी अबनॉर्मल एक्टिविटी करते हो, जैसे कि कोई भी हैक वगैरह लगाना या फिर कोई भी ऐप फाइल डाउनलोड करके अगर आप लोग फ्री फायर गेम में कोई भी एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो, जैसे कि हेडशॉट वगैरह के या फिर कुछ भी, ठीक है, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम जो है क्रिएट होगी होगी। देखो पहले के टाइम पर बहुत सारे रीज़न हुआ करते थे, जैसे कि पिंग होना या फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत रीज़न होते, सर्वर डाउन होता था तब भी ये प्रॉब्लम होती थी। बट अभी के टाइम पर ऐसा कुछ नहीं है, अभी के टाइम पे सिर्फ यही रीजन है कि अगर आप लोग फ्री फायर गेम में कोई भी ऐप फाइल ऐसा कुछ भी ऐड करने का ट्राई करते हो जिससे आप लोग को कुछ भी एडवांटेज मिल सके गेम के अंदर, तो ऐसे में ये प्रॉब्लम होगी ही होगी। और अगर आप लोग अच्छी तरीके से अप्लाई वगैरह कर लेते हो किसी भी ऐप फाइल को, तो देखो उसके बाद क्या होगा, सिंपली आपका जो मैच होगा ना, अगर वो स्टार्ट होता भी है तो आपके सामने हमेशा हैकर ही आएंगे, नॉर्मल प्लेयर आपके सामने आएंगे नहीं। एफ आई आर कर लो, जो फेयर प्लेयर्स होते हैं, जो सही प्लेयर्स होते हैं, वो आपके सामने आएंगे नहीं, आपके सामने सिर्फ हैकर प्लेयर आएंगे। इसका मतलब आपकी आईडी को फ्री फायर टीम ब्लैक लिस्ट में डाल देते। देखो यार, अगर हम लोग बात करें फ्री फायर गेम में OB34 अपडेट से पहले की, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर फ्री फायर गेम में OB34 अपडेट के पहले अगर आप लोग कोई भी हैक वगैरह लगाते थे, तो उस टाइम पर क्या होता था, सिंपली आपकी जो मैच होती थी वो स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, अभी भी ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है मैच स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, मैच आपकी अभी भी प्रॉब्लम देगी, मतलब मैच स्टार्ट नहीं होगी। बट अगर हो भी जाती है, कुछ कुछ ऐप या फिर फाइल ऐसे होते हैं जिससे मैच मेकिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, तो उसमें क्या होगा, आपके सामने हैकर्स आएंगे। ठीक है, मतलब यार आप लोग कुछ भी कर लो, अभी के टाइम पे आप लोग फेयर प्लेयर्स के सामने नहीं जा सकते हो। हाँ, आप लोग कस्टम वगैरह करके फेयर प्लेयर्स को हरा सकते हो, बट उसमें आपकी आईडी सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है, यानी कि बैन हो जाएगी। तो ऐसा कुछ भी आपको करना नहीं, आपको हैक वगैरह अभी के टाइम पे लगाना नहीं। अगर आप लोग ने हैक वगैरह लगा रखा है और आपकी आईडी ब्लैक लिस्ट में फ्री फायर टीम ने ऑलरेडी जो है डाल दी या फिर ऐड कर दी है, तो अभी मैं आप लोग को जो स्टेप बता रहा हूँ, सिंपली आप लोग को वही फॉलो करना है और उसके बाद आपकी जो आईडी है वो ब्लैक लिस्ट से रिमूव कर दी जाएगी और फिर ईजिली आप लोग पहले की तरह अपनी आईडी से नॉर्मली मैचेस वगैरह खेल पाओगे। ओके, सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, आपने जो भी हैक वगैरह लगाया हो गेम में, जो भी फाइल हो, ऐप हो, इंजेक्टर, जीएफएक्स टूल, चाहे कुछ भी हो, ठीक है, आपने जो भी लगाया हो फ्री फायर गेम में, सबसे पहले आप लोग को उसे डिलीट करना है, वो भी एकदम अच्छी तरीके से। देखो यार, अगर आप लोग कोई भी मिस्टेक करते हो और अगर कहीं एक आध फाइल भी रह जाती है ना गलती से, तो ऐसे में आपकी आईडी सस्पेंड भी हो सकती है, यानी कि बैन भी हो सकती है, फिर आपका पूरा जो आईडी वगैरह वो सब चला जाएगा, लेवल पैसे वगैरह सब चले जाएंगे, आपने जो भी पैसे वगैरह गेम में लगाए हो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अच्छा सबसे पहले आप लोग को अच्छी तरीके से हैक को डिलीट कर लेना है जो भी आपके डिवाइस में हो। हैक को कैसे अच्छे से डिलीट करते हैं, मैंने ऑलरेडी उस टॉपिक पे वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो को चेक कर लेना अच्छे से, हैक को डिलीट करना, रिस्क बिल्कुल भी मत लेना। ठीक है, तो ये था फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले आपको हैक को डिलीट करना है। अब सेकंड स्टेप आप लोग को क्या करना है, आप लोग को फ्री फायर टीम को अपील करना है कि आपने जो भी हैक वगैरह लगाया था उसे आपने रिमूव कर दिया है, रिक्वेस्ट करना है। ठीक है, आपने जो भी हैक लगाया था वो आप डिलीट कर चुके हो, तो अभी फिर से जो है हमारा मैच जो है स्टार्ट कर दो, अब हम नॉर्मल प्लेयर हो गए, ऐसा आप लोग को वहां पर रिक्वेस्ट या फिर अपील करना है। अब अगर आप लोग को नहीं आता है तो उससे ईजी स्टेप मैं आप लोग को बताता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक दे देंगे, आप लोग को सिंपली हमारे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाना है, आप चाहो तो वहां पे हमें फॉलो कर सकते हो, फॉलो कर दोगे तो अच्छी बात है, फॉलो कर देना और वहाँ पे हमें मैसेज कर देना अपनी यूआईडी, यूज़र नेम और आपने क्या जो है हैक वगैरह लगाए थे वो सब डिटेल हमें वहाँ दे देना। उसके बाद बता देना कि आपके डिवाइस में मैच मेकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, देन उसके बाद का काम हमारा रहेगा, हम आपकी तरफ से खुद जो है फ्री फायर टीम को अपील कर देंगे और कुछ ही दिन के अंदर आपकी जो मैचेज है वो पहले की तरह नॉर्मली स्टार्ट हो जाएगी और आपकी आईडी भी बैन नहीं होगी। ठीक है, सो ये था, आपको इतना सा प्रोसेस वगैरह अप्लाई करना है, ज़्यादा कुछ भी हार्ड नहीं। अगर आप लोग को कुछ भी ना समझ पड़ा हो तो आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो और वीडियो
को स्लो में देख लेना, फिर भी ना समझ पड़े तो। फिलहाल जो है वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किया हो तो, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग की डिमांड वाली वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।